हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल यसी क्रिएटिव कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डोरी बनाना सीखेंगे। डोरी बनाने के लिए सबसे पहले आप उस कपड़े को लीजिए जिस पे आपको डोरी बनानी है। डोरी कंट्रास्ट कलर में भी हो सकती है या आपके सूट की या आपके ब्लाउज की मैचिंग की भी हो सकती है। सो डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस पर हमें मशीन चलानी है। मशीन करीब हमें 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स की चलानी है। एक चापे की मशीन आपको चलानी है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये 2 पॉइंट्स की इसमें सिलाई चलाई है। 2 पॉइंट्स की सिलाई चलाने से आपकी बनी हुई डोरी बहुत ही अच्छी लगती है। सिलाई चलाते समय आप ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। सीधी सिलाई चलाते हुए जब हम एकदम लास्ट में पहुँचेंगे, जब हम डोरी को एंड करेंगे, तो वहाँ पर हमें सिलाई को थोड़ा सा तिरछा कर देना है। यानी कि अगर हम 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स की मशीन चला रहे हैं, तो हमें अब मशीन अपनी 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स की कर देनी, थोड़ा सा तिरछा कर देना। नीचे का साइड थोड़ा सा मोटा रहेगा। धागे को आप काटिए नहीं, आप धागे को थोड़ा सा बड़ा करके ही काटना है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने ऊपर पतली सिलाई की और लास्ट में आते आते मैंने सिलाई को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है और धागे को करीब आधा मीटर करके ही आपको काटना है। इसके बाद में आप धागे को थोड़ा सा मोटा करने के लिए एक बार फिर से सिलाई, अगर आपके बीच में सिलाई कहीं आपकी तिरछी हो रही है तो आप फिर से सिलाई चला सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा 1-2 इंच की दूरी पर से सिलाई को फिर से चला सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम भी धागे को आप उतना ही बड़ा करके काटेंगे जितना आपने पहले काटा है। अब आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। सिलाई से कपड़े को काटने की दूरी कम से कम 1/2 इंच होना चाहिए। ये कपड़ा इसी डोरी के अंदर ही हमें डालना है, इसलिए बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। आप कपड़े को एकदम सीधे से काटते जाइए। देखिए, मैंने अपने एक्स्ट्रा कपड़े को पूरे को काट दिया है और अब हम डोरी बनाते हैं। डोरी बनाने के लिए हमें जो सिलाई मशीन की सुई होती है, हम उसका यूज़ करेंगे। आप सिंपल सुई का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये मशीन की जो सुई रहती है, इससे बनाने से आपको बहुत ही आसानी रहेगी। आप सुई की हम पीछे के भाग को इस तरह से, सुई में हमने धागा डाल लिया था और इसी तरह से हम सुई को पीछे साइड से अंदर डालते रहेंगे। आगे की साइड से डालने से सुई जो होती है वो कपड़े में फंसती है और इससे हमारा कपड़ा बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम सुई के पीछे साइड का ही यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने पूरे में डाल लिया और इस तरह से खींच लिया है। सुई को आप निकाल दीजिए और जो बाहर धागा आता है उसको हमें किसी चीज़ में फंसाना है। मैंने तो मशीन में ही यूज़ कर लिया था, आप अगर चाहें तो आप कहीं पर बांध भी सकते हैं। और इस तरह से हम पीछे साइड से जैसे ही थोड़ा सा खींचेंगे तो जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। और इसी तरह से हम धीमे धीमे करके थोड़ा सा ऊपर साइड से पहले खींचेंगे और एकदम लास्ट में पकड़ के ऐसे खींचते रहेंगे। इस तरह से करने से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये सारा का सारा ही कपड़ा डोरी के अंदर चला जाएगा। इसको करते हुए बहुत ध्यान से करना है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, पर आराम से आप करते हैं। थोड़ा सा ऊपर साइड करिए और जैसे ही आपके पास थोड़ा सा कपड़ा आ जाए, आप नीचे साइड से भी खींचिए। देखिए, डोरी बहुत आसानी से बनती चली जा रही है। फ्रेंड्स, देखिए, एकदम आसानी से डोरी हमने बना ली है और ये एकदम लास्ट तक हमने खींच लिया है। डोरी बनके तैयार हो चुकी है। इतनी पतली डोरी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इसमें बहुत ही क्लियरिटी आती है। इस तरह से मैंने दोनों डोरियाँ बना के तैयार कर ली है। आप भी इस तरह से ट्राई करिएगा, आपको बनाने में बहुत ही आसानी लगेगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें लटकन बनाना सीखते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो रेडीमेड जो लटकन आते हैं वो भी लगा सकते हैं और घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और भी कई और भी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही बनाने में आसान है। तो इसके लिए हमने जो आज लटकन बनाया, इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए जो डबल फोल्ड चाहिए, वो 2 इंच होना चाहिए। और डिज़ाइन बनाने के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए वो भी हमें डबल फोल्ड पर तकरीबन 1.5 इंच का चाहिए और जिसकी लंबाई हमें चाहिए करीब करीब 10 या 11 इंच तक कर सकते हैं। कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है और जो हमने पहले कपड़ा लिया था, देखिए, उसको हमने जिस साइड से हमारी उसकी बंद साइड है, उस साइड पे हम इस जो 10 इंच का कपड़ा था उसकी हमने खुली साइड को रखा है और इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से एकदम पतली पतली सी प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स की सिलाई करते समय हमें करीब 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए चलना है, ताकि बाद में जो डिज़ाइन बना रही है कहीं निकल ना जाए। इसके लिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन ज़रूर से ज़रूर देना है। इस तरह से आप जितनी भी पतली महीन जितनी भी आप प्लेट्स डाल पाएंगे, उतना ही आपकी जो डिज़ाइन होगी वो अच्छी बनेगी। तो
तो इस तरह से मैंने देखिए लास्ट तक बना लिया है, और लास्ट में हमने पूरे थोड़े से कपड़े को बिना प्लेट्स के भी सिल दिया है, क्योंकि ये हमारा सिलने में एक्स्ट्रा पार्ट चला जाएगा। अब ये जो हमारा बीच का पार्ट है, इस पर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए इस पर आप कोई लेस भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने ब्लाउज़ में लेस का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने इसमें भी इस लेस का यूज़ किया है। देखिए मैंने दोनों लटकन्स बना लिए हैं, अब इसको हम डोरी पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े के सेंटर पे इसको रखा है डोरी को, और इस तरह से फोल्ड करके नीचे साइड से हम पहले सिलाई चलाएंगे। सिलाई को हम थोड़ा सा एक दो राउंड करके पक्का कर लेंगे, और इस तरह से मोड़ेंगे, और इसको हम तिरछे साइड से लेते हुए ऊपर की ओर आएंगे। देखिए मैं लास्ट में आके यहाँ फिर से पक्का कर लिया है, और फिर ऊपर की साइड को हम थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे, और इस पर दोबारा से मशीन चलाएंगे। और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम पूरा कट कर देंगे। और देखिए इस तरह से हम डोरी को पकड़ के जैसे थोड़ा सा खींचेंगे तो हमारी डिज़ाइंस बाहर आने लगे, और धीमे धीमे करके हमें पूरे जितना भी कपड़ा हमारा अंदर है उसको धीमे से बाहर लाना है। देखिए हमारा ये लटकन बन के तैयार हो चुका है। सो फ्रेंड्स, देखिए कैसा लग रहा है आपको। इस तरह से हम दूसरा भी लटकन तैयार करेंगे, और हमारे दोनों लटकन बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और फिर इसके बाद में मैंने इसे अपने ब्लाउज पर अटैच कर दिया है। सो फ्रेंड्स, बताइए आपको कैसा लगा। एंड लास्ट में ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक टेक केयर, बाय बाय।